तो अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं निगेटिव रियल नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। किसका? निगेटिव रियल नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। आइए थोड़ी देर बाद हम लोग जानेंगे कि निगेटिव रियल नंबर का लॉग कैसे निकालता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालने के लिए आप लोग सीख जाएंगे, फिर निगेटिव रियल नंबर आसान हो जाता है। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग को निकालते हुए हम समझेंगे कि निगेटिव रियल नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। आ जाइए, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f such that z to z, ये डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। आइए, और फंक्शन क्या है? log z base f z is equal to दिया हुआ है सर, log z base z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो इसको थोड़ा निकालने के लिए सोचेंगे, इसका इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे log z base e को। आइए, सबसे पहले तो बच्चों आपको एक बात पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस सर। आइए, तो ये आपका z क्या है? x प्लस आइटा वाई है ना, x प्लस आइटा वाई। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर यदि पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ पढ़ा होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर। यूलर ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने का आइडिया दिया था, उसी आइडिया का नाम क्या है? यूलर्स फॉर्म। आइए, यूलर्स फॉर्म में कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं ज़रा देखो। तो सबको पता होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सर यूलर्स फॉर्म में यदि एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या निकालो? उसका मॉडुलस निकालो, यानी आर निकालो। आ जाओ, तो चलिए इसका आर निकालिए। आर तो निकालने के लिए आता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं जरा बोलो? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही ना। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा काम हम लोग क्या करते थे यूलर्स फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए? सर एंगल निकालते थे, यानी आर्ग्यूमेंट। ठीक, ये आपका थीटा निकल जाता था। थीटा कैसे निकालते थे? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। ठीक, और यही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता था, ठीक, इसको जनरल फॉर्म में लिखना होता था तो क्या करते थे? टू एन पाई प्लस थीटा, टू एन पाई प्लस थीटा। आर्ग्यूमेंट जो लिखते थे हम, वो क्या हो जाता था? टू एन पाई प्लस थीटा। ठीक, अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तब। और हमारा यूलर्स फॉर्म जो था, वो यूलर्स फॉर्म क्या था? यूलर्स फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करने का यूलर्स फॉर्म जो था वो क्या था? r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। बहुत ही अच्छा सा फॉर्म था ये। आइए, अब इसी के हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम देखेंगे। लॉग z बेस की है, जरा बोलो तो इसको यूलर्स फॉर्म ही डायरेक्ट लिख दो z के बराबर, तब कितना हो जाएगा? आर इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा बेस e। सर इसको जनरलाइज कर दीजिए ना, सर इसको जनरलाइज कर लीजिए, आर इंटू ई टू दी पावर। अच्छा जनरलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि सर किसी भी रियल नंबर के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात कॉम्प्लेक्स नंबर की कर रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कंसीडर करते हैं तो उस वक्त जो आपका फंक्शन होता है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाता है। यानी फॉर वन वैल्यू ऑफ जेड देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ एफ जेड, किसी एक जेड के लिए एक से अधिक मान जेड एफ जेड का एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। किसके टर्म में? कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में। लेकिन अगर आप रियल नंबर की बात करेंगे, ठीक, तो रियल नंबर के टर्म में सर, रियल नंबर के टर्म ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी एक्स के एक वैल्यू के लिए एफ एक्स का एक ही मान होगा। आइए, तो लॉग आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो चूंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, चूंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है इसीलिए थीटा में क्या करेंगे? टू एन पाई एड कर देंगे। थीटा में टू एन पाई क्या कर दोगे? एड कर दोगे। जनरल फॉर्म में हमने आर्गुमेंट को लिख दिया है। आ जाओ, अब लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी क्या कहता है? सर लॉग एम इंटू एन है तो इसको क्या लिख दो? लॉग एम प्लस लॉग एन। आ जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा बुआ? लॉग आर बेस ई प्लस
log e to the power iota into theta plus 2n pi होगा क्या? होगा ना। चलो ये आपका भैया log r बेस e आ गया ना प्लस, अब जा देखो ये आयोटा इंटू थीटा प्लस टू एन पाई है ना। अब लॉग का एक बेसिक प्रॉपर्टी और है, वो क्या कहता है कि लॉग एम पे पावर एन हो तो वो एन लॉग एम हो जाता है, यानी ये जो पावर है वो बाहर आ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू थीटा प्लस टू एन पाई लॉग ई बेस ई, लॉग ई बेस ई। अब देखो अब ये आपका क्या आ गया, log r बेस e प्लस आयोटा इंटू थीटा प्लस टू एन पाई log e बेस e का वैल्यू कितना होता है सर, वन होता है, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो उसके लिए log का वैल्यू कितना, वन। तो चलिए तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, log z बेस e, log z बेस e का वैल्यू कितना, log r बेस e प्लस आयोटा इंटू थीटा प्लस टू एन पाई। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब यदि आपको पहले इसको नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, लॉग माइनस एक्स। बिल्कुल एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट को पकड़ना है, वो जो आप बहुत बच्चे करते क्या है, वो जो फॉर्मूला आया सर उसी पे बैठा देंगे है? कि लॉग जेड बेस ई बराबर आपने निकाला था भी लॉग आर बेस ई प्लस आईटा इंटू टू एन पाई प्लस थीटा, ठीक, बस उसी पर बैठा देंगे। उस पर कैसे बैठाएंगे सर, कहेंगे कि माइनस एक्स है, माइनस एक्स का मॉड तो एक्स होता है, माइनस एक्स का मॉड क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, चूंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। वो डायरेक्ट क्या कहेंगे कि लॉग ऑफ माइनस एक्स बेस ई, अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे कैसे, तो पहले वाले जो फॉर्मूला भी नीचे आया था, जो फाइनल रिजल्ट आया था उस पर ही बैठा देंगे। लॉग आर बेस ई था ना, उसमें क्या था, लॉग आर बेस ई, तो लॉग आर बेस ई, आर यानी मॉड कितना आ गया है, x बेस e हो गया, प्लस आयोटा इंटू टू एन पाई, अब प्लस थीटा कितना होगा। तो चलिए इस माइनस x को आर्गेंड प्लेन में दिखाएं, आर्गेंड प्लेन में जब दिखाएंगे सर तो माइनस x नहीं जी, तो माइनस x कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा माइनस x ना? तो ये माइनस x जो है सर, माइनस x ये बताइए तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई, और डायरेक्ट क्या करेगा, आयटा इंटू टू एन पाई प्लस पाई लिखेगा, और ये आप उसका आ जाएगा लॉग माइनस एक्स बेस ई बराबर लॉग एक्स बेस ई प्लस आयोटा इंटू टू एन प्लस वन इंटू पाई, इतना आ जाएगा। तो खैर ये तो फॉर्मूला से हुआ, जो फाइनल रिजल्ट आया था वहाँ से। आइए हम फंडामेंटल कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी, कितना फॉर्मूला रेट हो गया भाई, इसलिए कंसेप्ट पे पकड़ बनाइए इसको, जो जिस कंसेप्ट से हमने पिछले सवाल को बनाया था उसी कंसेप्ट पे इसको कैसे बनाएंगे। लॉग माइनस एक्स है जैसे, देखिए लॉग माइनस एक्स यही ना है सर, लॉग माइनस एक्स को आइए लॉग माइनस एक्स है, इसको लिखना है किस फॉर्म में, आपको यूलर्स फॉर्म में पहले लिखना है। तो सर जेड बराबर यहाँ माइनस एक्स है, इसका मॉड निकालिए, यूलर्स फॉर्म में लिखने के लिए हमको आर चाहिए, तो आर मॉड ऑफ जेड यानी मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका एक्स, आर हालांकि पहले भी आप निकाल चुके हैं, आर आपका एक्स आ गया। अब देखिए सर थीटा क्या हो जाएगा, इसका थीटा, तो अभी आपने देखा कि सर थीटा कितना हो रहा है, पाई हो रहा है, थीटा बराबर कितना, पाई, ठीक, इसी को जनरलाइज कर देंगे तो टू एन पाई एड करना पड़ेगा। तो चलिए तो अब हमको लिखना आर इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा ना, इसको किस फॉर्म में लिखना है, r इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, r के जगह पे क्या है, x है, e टू दी पावर आयोटा थीटा कितना, पाई, इसमें 2n पाई ऐड कर दीजिए, चूंकि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है इसीलिए, चलिए 2n पाई क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, आयोटा इंटू पाई प्लस 2n पाई। तो चलिए यानी माइनस x को आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो चलिए ये आपका क्या आ गया, x इंटू e टू दी पावर आयोटा इंटू टू एन पाई प्लस पाई, या पाई प्लस टू एन पाई, कुछ भी लिखो। चलिए अब ये आपका क्या हो गया, लॉग m इंटू एन है, लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा, लॉग x बेस e प्लस लॉग e टू दी पावर आयोटा इंटू टू एन पाई प्लस पाई बेस e हो जाएगा।
अब सर लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी कहता है जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है। तो चलिए ये आपका क्या हो गया, लॉग एक्स बेस ई प्लस आयोटा इंटू टू एन पाई प्लस पाई लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई का वैल्यू तो वन हो जाएगा क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों आपका इक्वल है ना, बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल है। आइए अब यहाँ से लॉग माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपका, लॉग माइनस एक्स बराबर आ गया सर लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई प्लस, लॉग एक्स बेस ई प्लस क्या, आयोटा इंटू टू एन प्लस वन पाई, टू एन प्लस पाई कॉमन आ जाएगा दोनों से, लॉग ई बेस ई का मान तो वन होता है उसको तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, लॉग माइनस एक्स का। ठीक तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब जैसे लॉग माइनस वन का निकालना है या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो एक बात बच्चों जान लो कि किसी भी निगेटिव रियल नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट कितना होगा, पाई ही होगा। ठीक पाई होगा। वैसे आपका रिजल्ट निकल गया है, आप चाहें तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करके बना सकते हैं। कैसे सर, सिर्फ एक्स के जगह पे क्या आ गया है बोलो तो वन आ गया। तो जरा देखो तो लॉग माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के जगह पे वन तो लॉग वन बेस ई प्लस आयोटा इंटू टू एन प्लस वन इंटू पाई, ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज लॉग माइनस वन बेस ई इज इक्वल टू लॉग वन बेस ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू टू एन प्लस वन इंटू पाई ना। तो ये अब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, लॉग माइनस वन बेस ई बराबर आयोटा इंटू टू एन प्लस वन इंटू पाई। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइए।